बड़ी खबर, विश्व युद्ध के खतरे से जुड़ी हुई पूरी दुनिया की निगाह अब रूस यूक्रेन पर टिकी हुई है। यूक्रेन पर रूस का हमला तय माना जा रहा है। रूस के पीछे हटने के दावे गलत बताए गए हैं। नाटो ने रूस की फौज के पीछे हटने के दावों को खारिज कर दिया है। कुछ वीडियो सामने आए थे जिनके आधार पर यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन की सीमाओं से रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं, लेकिन नाटो ने इस तरह के दावों को गलत कह दिया है। मतलब कुछ घंटों बाद यूक्रेन पर रूस बमों की बारिश कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ तो उसी पल मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जंग भी शुरू हो जाएगी। रूसी हमले के बढ़ते डर के बीच जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्स मॉस्को पहुंचे, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी तीन घंटे तक बैठक चली। माना यह जा रहा है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को पीछे हटने के लिए समझाने की कोशिश की। पुतिन ने कहा कि हम समझौतों की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। जाहिर है रूस युद्ध नहीं चाहता। साथ ही पुतिन ने कहा कि वो वॉशिंगटन और नाटो की हरकतों की तरफ आंख भी नहीं मूंद सकते। जर्मन चांसलर और पुतिन के बीच ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर प्रतिबंध लगाएगा। इससे एक दिन पहले जर्मन चांसलर यूक्रेन भी गए थे। रूस की सैन्य वापसी की घोषणा के बीच यूक्रेन की सरकारी वेबसाइटों और बड़े बैंकों पर साइबर हमले हो गए। यूक्रेन के कम से कम 10 वेबसाइटों ने काम करना बंद कर दिया है। इनमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और 2 बड़े बैंक की वेबसाइटें भी शामिल हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ये हमले पड़ोसी देश से हो रहे हैं।